पर फिर आपका स्वागत है। बिहार में स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं कि बिल अनाप शनाप आ रहा है। जी बिहार झारखंड ने मुहिम चलाकर बिहार के लोगों की ये शिकायतें सरकार और महकमे तक पहुंचाई, जिसका असर ये हुआ है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद स्मार्ट मीटर पर संज्ञान लिया है। दोनों डिप्टी सीएम और ऊर्जा मंत्री के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की गई। स्मार्ट मीटर की मुहिम रंग लाई, बिहार सरकार एक्शन में आई। स्मार्ट मीटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। जी बिहार झारखंड की खबर का यह असर हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत ही ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को तलब कर लिया। समीक्षा बैठक बुलाई गई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, मुख्य सचिव और ऊर्जा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सीएम नीतीश कुमार के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। जी बिहार झारखंड लगातार दिखा रहा है कि स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, पूरे राज्य से शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि ऊर्जा मंत्री इसे मोबाइल रिचार्ज की तरह बता रहे हैं। अब जब मोबाइल बिल में गड़बड़ी नहीं होती है तो स्मार्ट मीटर में कैसे गड़बड़ी हो जाएगी? और 50 लाख लोगों के घर में लगा हुआ है, 2 करोड़ के करीब हमारे कंज्यूमर हैं, भयंकर आंदोलन होता अगर उसमें गड़बड़ी आती थी। क्या सच में प्रीपेड मीटर मोबाइल रिचार्ज जैसा है? पटना के लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जी सर, आपका जैसे सर्वर से आपका रिले डाउन है मीटर का, और यहाँ पे कमांड जो है मैनुअली जो है EDF कंपनी के थ्रू भेजा गया है। देखिए, पैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 800 से ज्यादा का रुपया जो है यहाँ पे वो जमा है, लेकिन नॉट कनेक्टेड, यानी बिजली फिर भी नहीं जुड़ी। स्मार्ट मीटर की शिकायतें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, सिवान, बगहा और अरवल से भी आई हैं। सभी जगहों के उपभोक्ताओं की एक ही शिकायत है कि बिल से परेशानी है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर चार्ज फिक्स करा हुआ, जैसे 1 KV, 2 KV, 3 KV, उसके भी हाँ पे आपका यहाँ पे पर डे का जो फिक्स चार्जेस है वो लग रहा होगा। घर में एक बल्ब भी नहीं चलेगा, बट चार्जेज आपका लगना है, लगेगा, ये फिक्स है। कि पहले वाले मीटर में मेरा 2000 रुपए बिजली बिल आता था मैक्सिमम, आज के डेट में 10000 रुपए बिजली बिल आ रहा है। बिजली समझ में नहीं आता है कितना बिल आता है हर महीना, लगभग सप्ताह में 6000-7000 करवाते हैं, माइनस में चला जाता है। बिहार सरकार ने इतना स्मार्ट बना दिया हम सबको कि हमें स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है, पुराना मीटर ही सही है, क्या जरूरी है स्मार्ट मीटर लगाने की। हम लोगों से जबरन ब्याज लेकर गरीबों से बिजली बिल लिया जा रहा है, और ऊपर से ये खुनचुसुआ मीटर लगा दिया गया है कि पहले पैसा दो और पैसा के बाद रात में बिजली गुल। बिहार में गरीबों और आम लोगों का शोषण करने वाला प्रीपेड मीटर को रद्द करो, ऐसी मांगों को लेकर के हम कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत समीक्षा बैठक की है। देखना होगा कि स्मार्ट मीटर पर अब सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।